सदर के उपखर्रा में 26 जून को हुई हत्या का सदर पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या के दो आरोपियों को सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी झूठू ने अपने घर में हुई चोरी के शक में अपने साथी अजय के साथ मिलकर की थी हत्या। दोनों ने पहले उसे शराब पिलाई, उसके बाद डंडे से पीट पीट कर और ईंट से कुचल कर दुल्लू की निर्ममता से हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। एक व्यक्ति की जो डेड बॉडी है वो 16 बीघा जो खेत है सदर थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ पे मिली है। मौके पे फोरेंसिक की टीम, थाने की टीम और अन्य अधिकारी भी वहाँ पे पहुँचे थे। पूरा फोरेंसिक एनालिसिस करने के बाद वहाँ पे कुछ चीज़ें बरामद हुई, जैसे कि डंडा है, ईंट है, कुछ चीज़ों की बरामदगी वहाँ से हुई है। इस विवेचना में जो गहराई से छानबीन खोजबीन इसमें की गई तो पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम छोटू है उसके घर पे कुछ दिनों पहले चोरी हुई थी। उसको जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो कई सारी चीज़ों का इसमें खुलासा हुआ। वो उसका कहना यह था कि उसके घर में कुछ दिनों पहले कुछ लाख रुपए की चोरी हुई थी और वो चोरी में जो मृतक है उसका हाथ था। मृतक की अच्छी लाइफस्टाइल जो अचानक बढ़ी हुई लाइफस्टाइल से जो इंक्रीज़ हुआ था उसमें, उसको देखते हुए जैसे कि शराब न पीना और कपड़े अच्छे अच्छे न पहनना, उसको लग रहा था कि मेरे पैसों से ये जो मृतक है वो जो डुल्लू है वो मौज न कर रहा है। लॉकडाउन का भी टाइम चल रहा है, मेरे पास पैसों की कमी है और मेरे ही घर से चोरी किए हुए इस आशय पे संशय पे उसने इसको मारने का प्लान बनाया। इसका जो प्लान में जो साथीदार था अजय नाम का, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। अजय का मृतक के बड़े भाई जो है बप्पी, उसके साथ लगातार झगड़ा चल रहा था। छोटू और अजय ने ये डील की थी कि मुझे डुल्लू को मारने में तुम मदद करो और अजय का कहना था कि मुझे बप्पी जो उसका बड़ा भाई है जिसका इससे लड़ाई थी उसको न मारने में छोटू मेरी मदद करेगा। इसी चीज़ को लेके उन्होंने एक रात जो 26 की रात है 26 जून को जो मृतक है डुल्लू वो पेट्रोल पम्प पे मधुसूदन पेट्रोल पम्प पे खड़ा था, वहाँ पे उसको उन्होंने कलेक्ट किया। ये कह के कि चलो हम लोग शराब पीने के लिए जाएंगे, खेत में शराब भी उन्होंने अरेंज करके रखी थी 16 बीघा खेत में। इसी एरिया में फिर छोटू ने पहले से ही डंडा और सारे चीज़ें जो है वो अरेंज करके रखी थी और वहीं पे क्रूरतापूर्वक उसकी हत्या भी की गई। दोनों जो मुलजिम है छोटू और अजय दोनों पुलिस की गिरफ्त में, दोनों ही लोगों की इसमें सहभागी भागीदारी है और दोनों को इसमें पकड़ा।